श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा दल सरहंद वालों जिला प्रशासन फतेहगढ़ साहब और सिविल हस्पताल फतेहगढ़ साहब के सहयोग न 18 साल तो उपर वाले व्यक्तियों लिए 7वां फ्री कोविड वैक्सीनेशन कैंप सवेरे 9 बजे तो दोपहर 2 बजे तक लगाया गया, जो कि हमायूंपुर के एक प्राइवेट स्कूल के लगाया गया, जिस विच सैकड़े की गिनती लोगों ने आकर कोविड वैक्सीनेशन के टीके लगाए। इस कैंप में कौन कौन हुए सन हाजिर, आओ दिखाने हाँ न्यूज़ इंडिया टाइम के कैमरे की नज़र तो। जय भारत। जिहड़ा है कोविशील्ड दा इंजैक्शन लग रहे ने, ये बर्फानी दल दी सहायता नाल, नगरा दी हैल्प नाल और बॉबी जी दी हैल्प नाल लग रहे ने। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा समाज सेवा की है। मेरा ख्याल कोई ही विरला ही रहा होगा जिन्होंने इंजैक्शन नहीं लगे। इन्होंने महान एफर्ट्स के नाल ही साढ़े वार्ड का सुधार हो रहा है। प्रवीण कुमारी, वार्ड नंबर 11 तो MC। साडा यह 7वां कैंप है जी कोविशील्ड का, तो बर्फानी सेवा दल नाल असीं लगवा रहे हैं। साडा टीचा है भी अपने एरिए पूरा 100% वैक्सीनेट करन दा, उस प्रयास असीं लगे हुए हैं। मैं अरुण सूरी, प्रधान श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा दल सरहंद। अज साडी संस्था वालों ये 7वां वैक्सीन कैंप जिहड़ा लगाया जा रहा है, उहदे विच सिविल होस्पिटल फतेहगढ़ साहब के सहयोग नाल और प्रशासन के सहयोग नाल लगाया जा रहा है। असीं बहुत धन्नवादी हाँ प्रशासन दे और SMO साहब कुलदीप सिंह जी दे, जिन्हां दे प्रयास सदका यह उपराला सानू फिर करन दा मौका मिलिया। असी बहुत बहुत धन्नवादी हाँ उन्हां लोकां दे जिन्हां ने आ के इत्थे वैक्सीन लवाई, और असी उम्मीद करते हैं जिहड़ा अज दा साडा कैंप है यह भी एक सक्सैसफुल कैंप होएगा। और मेरी सारे इलाका वासियों नूं यह बेनती है भी जिहड़े लोग रह गए इस टीकाकरण तो, वह भी प्लीज़ जल्दी तो जल्दी कैंपा दे राही या सिविल होस्पिटल दे राही अपने आप नूं वैक्सीन करवाण, और तां जो इस बीमारी तो निजात पाया जाए। असी विशेष तौर पर इत्थे पहुंचे हुए सारे सज्जनों का बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा दल रजिस्टर सरहंद वालों, जिस तरह के तुसी जानते हो कि कोविड वैक्सीनेशन का 7वां कैंप अज CP कॉन्वेंट स्कूल दे विच लगाया जा रहा है, जिस विच लोकां दे विच काफ़ी भरमा हंगारा मिल रहा, काफ़ी तादाद दे विच लोग इंजैक्शन वैक्सीनेट होने के लिए साढ़े को आ रहे हैं। मैं लोगों का बहुत धन्यवादी हाँ कि वह इस चेन नू तोड़न दे विच साड़ी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हैल्प कर रहे हैं, क्योंकि साड़ा जिहड़ा काम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ते साड़ियां सेहत सेवावां डिस्ट्रिक्ट जिहड़ियां हैगियां ने, साडे SMO साहब ते साडे सिविल सर्जन साहब ते उहनां दी सारी टीम, तुसीं देख रहे हो कि पिंड पिंड जाके वाड़ां वाड़ां दे विच जाके कैंप लगा रहे ने, जिन्हां दा साडे हलका विधायक सरदार कुलजीत सिंह नागरा जी की सोच है कि साडा हलका साडा पिंड ते साडा शहर ये 100% वैक्सीनेट होने चाहिए ने, ते आपस दे विच कोआर्डीनेशन करके साडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जी ने यह टीचा मिथ्या कि असी घर घर जाके लोगों नूं वैक्सीनेट करांगे। उस परंपरा दे विच अज हमायूंपुर दे विच भी CP कॉन्वेंट स्कूल दे विच कैंप लगाया गया। मैं अपनी सारी टीम का बहुत आभारी हाँ, तो मैं CP कॉन्वेंट स्कूल की मैनेजमेंट तो उन्होंने स्टाफ जिहड़े सानू कोऑपरेट कर रहे हैं श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा दल नूं इस कैंप का आयोजन करन दे विच, मैं उन्होंने भी बहुत आभारी हाँ। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, सीनियर मैडिकल अफसर सिविल होस्पिटल फतेहगढ़ साहब। अज का जिहड़ा ये कैंप है ये बर्फानी दल वल अरुण सूरी जी वालों लगाया गया हैगा, तो इस कैंप के 18 साल तो उपर सारे जी वैक्सीन लग रही है, तो साड़ी सारे अपील है भी सारे जड़े इस वैक्सीन लगाओ, क्योंकि बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। तो वैक्सीन लगाने तो उपरंत भी जेडे कोविड के नियमों की पालना करो, सारे जड़े मास्क लगा के रखो, 2 गज की दूरी मेनटेन रखो, तो अपने जड़े हाथ है वह बार बार साबण नाल धोवो। तो साड़ी होर भी अपील हैगी है भी जे किसी खांसी आ, जुकाम है, बुखार आ, सह लैण च दिक्कत है, तो वह जल्दी तो जल्दी सैंपलिंग कराओ, क्योंकि जिनी जल्दी सानू पता लगेगा भी ये बंदा जड़ा हैगा इस महामारी तो पीड़ित है, उन्नी जल्दी वह ट्रीटमेंट होगा। असी अज भी अखबार पढ़िया होगा तुसी भी जिन्हां दे वैक्सीन लगी हुई सी उन्हां विच कोई भी बंदे की डैथ रजिंद्रा होस्पिटल नहीं हुई, अज की मेन न्यूज़ हैगी है। सो वैक्सीन लगाउणी यही एक दवाई आ, यही इस महामारी तो बचण दा बचाव है। सरहंद तो न्यूज़ इंडिया टाइम लई कैमरामैन आकाश देव के नाल चंद्र नागपाल की विशेष रिपोर्ट।